दूसरा खतरा बारिश। पुराने संस्कारों की या पुरानी यादों की बारिश। अचानक से वो बारिश आ जाती है, अचानक से वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और हम गिर पड़ते हैं। छोड़ चुके थे वो सब कुछ, पर अचानक पुराने बात यदि याद आ गई तो वो संस्कार फिर से इमर्ज हो जाते हैं। पुराना कोई भोगा हुआ भोग, पुरानी कोई दोस्ती, पुराना कोई कमजोर संस्कार आज यदि याद आ जाए तो आत्मा फिर से उसी स्थिति में स्थित हो जाती है और कमजोर बन जाती है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी मुरली नंबर 2। बच्चे प्रश्न पूछते हैं, बाबा ये मुश्किल है, पुराने संस्कार है हमारे, क्या करें? बाबा ने 4 उत्तर दिए हैं। पहला, ये तुम्हारा जन्म कौन सा है? मरजीवा जन्म। तो पुरानी बातें कैसे याद आ रही है? वो तो मर चुका है, वहां पर शरीर जला देते हैं, यहाँ पर क्या तुमने नहीं जलाया है? पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव और पुरानी स्मृतियां, ये सबसे पहला उत्तर है बाबा का आज की वाणी से। नया जन्म जीवंत मृत्यु का ये जीवन है, पुराना सब कुछ खत्म हो गया है, आत्मा ने इसी शरीर में नया जन्म लिया है। वो शूद्र जन्म था, वो विकारी जन्म था, अब नया जन्म है, संपूर्ण पवित्रता का ये जन्म है। इसमें वहां की कोई भी बात, कोई भी याद रिजेक्ट कर दो उसको। ये पहला उत्तर। दूसरा उत्तर था, यदि संसार में कोई मर गया हो और वो जिंदा हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? भूत। ये है माया के भूत। अगर वो संस्कार जो मर चुका था वापस लौट कर आ गया, अर्थात वो माया के भूत, और भूतों को कोई अपने घर पे नहीं रखता है, क्या करता है? उसको भगाता है। अगर कोई संस्कार इमर्ज हो रहा है जो बचपन का है, जो अज्ञान काल का है, या इसी ब्राह्मण जीवन में बेहोशी की अवस्था का है, रिजेक्टेड, हटा दो उसको। तीसरा उत्तर, ये कहना कि ये हमारे पुराने संस्कार है, बाबा ने कहा ये स्वयं को धोखा देना है। ये कहना कि ये मेरा नेचर है, ये मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूं? हम तो ऐसे ही बोलते हैं जोर से, हम तो ऐसे ही डांटते हैं, हम तो ऐसा ही क्रोध करते हैं, ये मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूं? हमको तो ऐसे ही रोना आता है बार बार छोटी छोटी बातों में। बाबा ने कहा सेल्फ डिसेप्शन, खुद को धोखा दे रहे हो। और चौथा उत्तर था बाबा का, अच्छा तो तुम्हें पुराने से बहुत प्यार है, तो सबसे पुराना क्या है? अनादिकाल के संस्कार, वो इमर्ज करो। ये तो मध्य के है, और मध्य को क्या कहा जाता है? बीच। और बीच भंवर में क्या है? परेशानी। ये हमारे संस्कार ही नहीं है, ये रावण के संस्कार है, रिजेक्ट कर दो उसको। ये कहो ही नहीं कि ये मेरा स्वभाव बन गया है, रोने का, रूठने का, रूसने का, दुखी होने का, परेशान होने का, चिंता करते रहने का। बाबा ने कहा बच्चा बन जाओ। 7 बातें गिनाई है सुबह की वाणी में, अगर बच्चे बन गए तो क्या होगा? बच्चा अर्थात पहला, मालिक बन जाओगे। दूसरा, बच्चे बन गए तो बेफिक्र बादशाह बन जाओगे। तीसरा, निरंकारी और निराकारी का अनुभव करोगे, हद का जो भी है वो परिवर्तित हो जाएगा। चौथा, पांचवा, मास्टर नॉलेजफुल, इस एक शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है बच्चा। छठवा, माया से बच जाओगे। और सातवा, बोझ कम हो जाएगा, बोझ है मैं और मेरे का, शरीर को भी अमानत समझोगे, बच्चा बन जाओ। सुबह की अव्यक्त वाणी मुरली नंबर 2। तो पहले तो ये लिस्ट बनानी है कि मेरा वो ऐसा कौन सा सूक्ष्म संस्कार है जो अब भी प्रकट होता है, और जैसे ही वो प्रकट होता है मेरी सारी स्थिति धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो याद आते ही मन में हलचल होने लगती है? ऐसी वो कौन सी स्मृतियां हैं, कौन सी आदतें, कौन से एडिक्शन, कौन सी हैबिट जो मुझे नीचे गिराती है? उसको पहले लिखना है, देखना है, और अमृत वेला
फिर से उन्हें देखना है, आंखें मिलाना है उनके साथ कि ये इतनी शक्तिशाली क्यों है, क्या है इस बात में, इस आदत में, इस एडिक्शन में, इस हैबिट में, इस संस्कार में, इस स्वभाव में जो मेरे जैसे योगी को गिरा देती है। बाबा ने कहा स्वयं के चेकर खुद बनो, स्वयं की चेकिंग खुद ही करो, कोई दूसरा कब तक हमारी चेकिंग करेगा और कब तक हमें समझाएगा बताएगा। हमें खुद ही को खुद देखना है और हमसे अधिक हमें कौन देख सकता है, क्योंकि जब ये बारिश होती है तो सब कुछ बह जाता है। वो जो ज्ञान और योग के गांव खड़े कर रखे थे, घर खड़े कर रखे थे, ये ऐसी बारिश आती है कि सब कुछ डुबा देती है। इसीलिए अपने उस एक संस्कार पर काम करना है जिस पर सब कुछ करने के बाद भी वो अब भी विद्यमान है। सब कुछ कर लिया, ज्ञान योग सारा लगा दिया, पर वो संस्कार अब भी है, जा नहीं रहा है। वो हो सकता है किसी में मोह है, इतना गहरा मोह कि उस व्यक्ति के बिना रह नहीं सकते, उसे कुछ होता है तो यहां कुछ होता है। ज्ञान के दर्पण में देखना है क्या ये मोह बाबा को स्वीकार है। अपने आप को बाबा के सामने खड़े करना है और बाबा से कहना है, बाबा मेरा इस व्यक्ति के साथ जो संबंध है क्या तुम्हें स्वीकार है? और बाबा को वही संबंध स्वीकार है जिसमें आत्मिक प्रेम है। जो मोह वाले संबंध है बाबा उसे रिजेक्ट कर देगा।